अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन लॉलीपॉप फ्राई। आप एकदम टेस्टी चिकन लॉलीपॉप फ्राई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको चाहिए 7 से 8 चिकन लॉलीपॉप, मैंने लिया है, आपको जितने चाहिए आप उतने ले सकते हैं। तो अभी इसे मैं अच्छी तरह से धो लूँगी, नमक लगा कर इसे धो लूँगी मैं। चिकन को मैंने धो लिया है, अभी इसे मैरिनेट कर लूँगी धोने के बाद मैं अच्छी तरह से। अभी इसमें सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी सबसे पहले मैं 1 स्पून। अगर चिकन इससे ज़्यादा हो तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए आप। कॉर्नफ्लोर का आटा ऐड कर दूँगी इसमें मैं, 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा ऐड कर रही हूँ। इसके बाद रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी मैं, 2 चम्मच। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं, चाइनीज़ के लिए जो रेड फूड कलर होता है ना, वो वाला ऐड कर रही हूँ। हाफ लेमन डाल रही हूँ उसमें मैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करके चिकन को मैं रख दूंगी। जितना वक्त हो उतने वक्त के लिए रख दीजिए, 15 मिनट भी मिनिमम आप रख सकते हो इसे। कि आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्राई करने के लिए निकाल लिया। अब इसमें मैं अंडा डाल रही हूँ, अंडे का सिर्फ वाइट पार्ट ही इसमें मैं ऐड करूँगी, ऊपर से थोड़ा सा तोड़ के बस वाइट पार्ट ही इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोग तो पूरा अंडा अगर खाते हो तो डाल सकते हो। अभी फिर उसे अंडा वाइट पार्ट डालने के बाद में मिक्स करने के बाद में मैं उसे फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई करूँगी। तेल गरम करने रख दिया है मैंने, मिक्स करके अच्छी तरह से एक एक करके फ्राई कर लूँगी लॉलीपॉप को मैं। ऑयल गरम हो गया है, एक एक करके इसे मैं अच्छी तरह से डीप फ्राई कर दूंगी। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए ये, पहले एक तरफ से अच्छी तरह से हो जाए तब उसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसी तरह से एक एक करके सारे लॉलीपॉप को मैं फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई करके अच्छी तरह से रेड होए तक इसे फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई करके निकाल रही हूँ इसे मैं। टिश्यू रख देना है आपको ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं इस तरह से अगर आप बनाएं घर में ही। देखिए रेडी है चिकन लॉलीपॉप।